सर एक्चुअली क्या था कि ड्रिजलिंग तो हो रही थी, ठीक उसी टाइम पर जो है बरसात आ गया, उसी टाइम पर फिर बरसात आ गया, तो बारिश का पानी जो है इस साल बड़ा हुआ था। आप सबसे पूछिएगा बाढ़ आया हुआ था गंगा में, बाढ़ आई थी। बाढ़ में तो जो ड्रिजलिंग का काम तो होगा नहीं, जो हुआ था वो भी बल्कि बाढ़ के वजह से जो ड्रिजलिंग जो हुआ था तो बालू जो है वो भर चुका था, काम बर्बाद हो गया, ठीक। तो इसी वजह काम हुआ था लेकिन वो भर गया, ठीक। इसी वजह से ये काम फिलहाल रुक गया काम, फिर से यानी इस बात का ये मतलब निकाला जाए हमारा एक सब, आप वहाँ से घूम के निकाला एक सब इसी अर्थ है। सरकार के पास विकल्प के रूप में कोई भी योजना लेके आते हैं ना, विकल्प के रूप में नहीं रहता है। जैसे हमारे बंधु ने अभी कहा, ठीक है, कि कोविड के काल में इतनी लाशें बही, ये हुआ तो आपने ये क्यों नहीं कहा? राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये चीज को लेकर आगाह किया था। सुनिए ना भाई बता रहा हूँ आपको, दिन तारीख के साथ में बताता हूँ। पार्लियामेंट हाउस के अंदर उन्होंने कहा, मोदी जी आगाह हो जाइए, जब केरला में पहली घटना आई, कोविड बहुत बुरी तरह लोगों को प्रभावित करेगा, आप इसकी तैयारी कीजिए। तो इन्होंने क्या कहा पता है? हमारे तो ट्रंप जी आ रहे हैं, पहले उनका स्वागत कर लें। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में लाखों अमेरिकी लोग आए, आप गारंटी लेते हो? जो अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए और प्रभावित हुए उस समय जो लोग आए थे वो कोविड के शिकार नहीं थे और उसकी वजह से कोविड नहीं बढ़ा। मोदी जी ने होते ना तो आज मोदी जी के छोड़ दीजिए, और एक चीज बोल रहा हूँ, और टीकाकरण, ये टीकाकरण की बात है ना, एक सेकंड मैं आपको टीकाकरण के ऊपर बता रहा हूँ सर, टीकाकरण के ऊपर कि मेरा आपको दो नंबर दे रहा हूँ। मेरे यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी का एक कर्मचारी है, मेरा एयरपोर्ट से दोनों मोदी योगी ने एक मिनट को सुन लो टीकाकरण के विषय में CBI जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर निष्पक्ष जांच बैठाई जाए। मैं मेरे दोनों मोबाइल नंबर ना ऑन कैमरा देता हूँ, दूसरा नंबर, ठीक है। और मेरे को मेरे गांव का एक बंदा स्वास्थ्य कर्मचारी था, आशीष आपकी बात पूरी ठीक है, पूरी बात सुनूंगा, लेकिन मैं आपका नंबर ना, क्योंकि हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डाइवर्ट करते हैं, मैं उसको बीप करूंगा। अच्छा हाँ ठीक, बीप कर दीजिएगा। तो मेरे जैसे वो बंदा हमारे यहाँ के भाजपा के मंडल अध्यक्ष का भाई है छोटा, तो मैंने बोला यार मेरा तो दोनों वैक्सीनेशन हो गया। बोलता है हम लोग को टारगेट मिला हुआ है, हम लोग को रोज का इतना करना पड़ता है, संविदा का कर्मचारी, 8 महीने से 1 रुपए की सैलरी नहीं आई है। सिकरारा ब्लॉक का स्वास्थ्य केंद्र का है, मैंने उसको लेकर ट्वीट भी किया, उस स्वास्थ्य हालात को देखते हुए वहाँ के एक बंदे ने आत्महत्या तक कर लिया है। 31 दिसंबर की बात है, सौरभ उपाध्याय उसका नाम था, सिकरारा ब्लॉक का रहने वाला है। तो फिर मैंने क्या कहा, इसके ऊपर है ना, एक बार जांच बैठाई जाए कि ये जो विज्ञापन चल रहे हैं ना टीकाकरण के, इतना टीकाकरण कर दिया गया, मैं आपको बोलता हूँ आधे से ज़्यादा फर्जी आंकड़े निकलेंगे।